नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, जिसमें हम 72 घंटे के लिए आप लोगों की एनर्जी चेक करेंगे, आपकी और आपकी पर्सन की, और उनका एक्शन क्या रहेगा ये हम देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, देखेंगे आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी 72 घंटे में उनकी करंट फीलिंग्स कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि आपकी पर्सन की। करंट फीलिंग्स पेज ऑफ कप्स। अरे यार ये माफी मांगना चाहते हैं भैया आपसे। फोर ऑफ सोर्ड्स टावर। बंदा या बंदी तो माफी मांगने के लिए सोच रहा है या सोचेंगे इन 72 घंटे में, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिससे उनको लगेगा नहीं छोड़ो चलो नहीं बातें करनी, माफी नहीं मांगना है, मूव ऑन कर लेते हैं इस रिश्ते से। ये एक टावर मोमेंट आएगा, हो सकता है कुछ ऐसा उनको पता लगे या अपने मूड स्विंग के कारण हो सकता है ऐसा सोच सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातों के कारण, पुरानी बातों के कारण इनमें ये परिवर्तन आएगा सोच में। वैसे तो बंदा माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहा है, सोचेंगे इन 72 घंटे में वो चीज़ों को सही करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन अचानक से क्या होगा उनमें पता नहीं, ये मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे और उनको लगेगा चलो ज़्यादा बात करने में वक्त जाया ना करके मूव ऑन कर लेते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, हो सकता है एक्यूरियस ये एनर्जी आपका हो, जो भी है बंदा या बंदी जो भी हैं ये इमोशनल होके कुछ पास्ट बैगेज के साथ मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। अभी देखेंगे आपकी करेंट फीलिंग्स क्या है। एक्यूरियस फाइव ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेंथ पेज ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस आप किसी लियो के साथ रिश्ते में हो सकते हो, किसी सजिटेरियस के साथ हो सकते हो, कोई एक्वेरियस भी हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। इन 72 घंटे में एक्वेरियस आपका जो एनर्जी है वो आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहोगे, आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, आप अपने अंदर पेशेंस रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पर्सन जो है ये दुखी हैं, परेशान हैं, मूव ऑन करने के बारे में सोचेगा। या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, तो आपके पर्सन कोई लियो हो सकता है, जैसे मैंने कहा कोई सजिटेरियस हो सकता है, आप जो हो वो लड़ाई झगड़े से परे होके अपने आप को शांत करने के बारे में सोचोगे, आप पेशेंस रखोगे, आप पेशेंसली रिश्ते को हैंडल करने के बारे में सोचोगे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आप अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश करोगे, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रहा था, जो भी बातें आप बोल नहीं पा रहे थे, हो सकता है वो बोलने के लिए आप अपने अंदर हिम्मत जुटाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे थे, सोच सकते हो इन 72 घंटे में कि लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है, माफ़ी मांग लेना है और चीज़ों को ख़त्म करना है, क्योंकि आप नई शुरुआत चाहते हो, आपके पास रिश्तों की क्लैरिटी है, आप इनको ऑनलाइन स्टॉक करते रहते हो या फिर आपके पर्सन आपको स्टॉक करता रहता है, इसी के कारण से आप दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, चीज़ें शांत रह के सही किया जाए लड़ाई झगड़े के बगैर, ये आप सोचोगे इन 72 घंटे में। अभी हम देखेंगे आपकी पर्सन की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है या फिर क्या म्यूचुअल एक्शन क्या होंगे, जो भी आप कहो आप भी एक्शन ले सकते हो, वो भी ले सकते हैं,
म्यूचुअल एक्शन मतलब आउटकम, अगर मैं कहूँ 72 घंटे में क्या हो सकता है, रिश्ते की आउटकम क्या एक्शन हो सकता है, जो भी मैं कहूँ एक्शन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई लिब्रा हो सकता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स द एम्प्रेस, बहुत अच्छा आउटकम आया है, बहुत अच्छा एक्शन अगर मैं कहूँ। ये बंदा या बंदी एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे या आप सोचोगे, क्योंकि अट्रैक्शन जो है आप दोनों में वो बहुत ज़्यादा काम करेगा इस वक्त। दोनों को ही अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करोगे। आप लोगों को पता है कि ये रिश्ता एक विक्टोरियस रिश्ता बन सकता है, इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। ये रिश्ता दिखावे के लिए और अंदर से भी ये सही है, बाहर से भी सही है। इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोचोगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, ये बंदा सोचेगा, आप भी सोच सकते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, बार बार मैं बोलती हूँ ये बात। और कुछ इस तरीके से सोचोगे कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लोगों के बारे मतलब आप और उनके बारे में सोचना, ये सोचना शुरू करेंगे, दिमाग से सोचेंगे, क्लैरिटी आएगी इनके पास और ये आपकी अट्रैक्शन को ये महसूस करेगा बंदा। इसके चलते बंदा या बंदी जो भी है ये नए शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, मतलब जैसे कि 72 घंटे में ना हो ये 73-74 कि और एक दिन लग जाए, लेकिन ये कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे और ये नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना और रिश्ते में प्यार से आगे बढ़ना, यही उनका मोटो रहेगा। अभी देखेंगे यूनिवर्स ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है, यूनिवर्स ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यूनिवर्स ये आपसे ये कह रहा है कि अगर आप दूर रहते हो एक दूसरे से, अगर आप दुखी हो, परेशान हो, तो दूर रहने से, दुखी रहने से काम नहीं चलेगा। आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा जो आपको खुशी दे, जो आपके रिश्ते के लिए सही है। रोने धोने से काम नहीं चलेगा। जितना आप परेशान हो रहे हो उतना परेशान होने की कोई बात नहीं। ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो हम बैठ के बात करके उसको सही ना कर पाए। इसीलिए अपना इमोशन को ज़्यादा कंट्रोल करके अगर आप रख रहे हो उसकी ज़रूरत नहीं है। जो बोलना है, जो करना है, डिसीजन लेना है तो लेके रहो। ऐसे नहीं कि इमोशन को कंट्रोल करके आप बैठे रहोगे और आप चाहोगे कि सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, ये आपको भी पता है। इसीलिए एक्शन लेना है तो लो, ज़्यादा इंतज़ार खुद भी ना करो, उन्हें भी ना करवाओ। और इतनी परेशान होने जैसा कोई बात नहीं है। जितना परेशान आप खुद हो, जितना परेशानी आप देख रहे हो इस रिश्ते में, उतनी परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप चाहो समझदारी से डिसीजन लो तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।